वहीं छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 8 में नाली की सफाई नहीं होने से लोगों में काफी गुस्सा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से नाली की सफाई को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक नाली की सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई। बारिश के दिनों में नाली का गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता है, जिससे रहवासियों में भारी रोष है। हमारे घर के बाजू वाला ये लगभग 3-4 साल से फुल भर गया है, जबकि 4 फीट गहरा ये नाला और इसको खाली नहीं करवाया जाता। और जब भी अपन कंप्लेंट करो तो थोड़ा सा आगे ऊपर ऊपर खाली कर देते हैं और फिर वैसे चले जाते हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा में बीजासेन वार्ड 4 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी शिल्पी चंदन साहू निर्विरोध पार्षद चुनी गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी जया मनोज सोनी का नामांकन निरस्त होने के बाद शिल्पी चंदन निर्विरोध विजयी हुई। बताया जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हुआ। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद विधायक सुनीत पटेल ने बधाई दी है। बड़ी खुशी कर रहे हैं और विजय सेन माता रानी का दरबार है, वहाँ से हमको आज एक खुशी मिली है। तो माता रानी का एक संदेश है कि हम नगर पालिका कांग्रेस की बनाएंगे। आज बड़ा खुशी का माहौल है कि आज हम हमारी एक बेटी को हम पार्षद बना के लाए, निर्विरोध बन के आए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं के सभी कांग्रेस परिवार की मेहनत है। अब बात योग दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे मध्य प्रदेश में भी योग किया गया। प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां योग किया गया। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सेंट्रल जेल में योग करते नजर आए। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है जहाँ सेना के मध्य भारत एरिया में योग का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में सेना के जवानों और सैन्य अधिकारियों ने योग के आसन किए। मध्य भारत एरिया के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MK दास भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। तीसरी तस्वीर भी जबलपुर की है जहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने लोगों से योग करने की अपील की। चौथी तस्वीर ग्वालियर की है जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सांसद विवेक शेजवलकर, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। पांचवीं तस्वीर खजुराहो की है जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद विष्णुदत्त शर्मा योग कार्यक्रम में शामिल हुए। छठी तस्वीर इंदौर की है जहां 15वीं बटालियन RAPTCS ग्राउंड पर स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया। वहीं उज्जैन, बुरहानपुर, भिंड, छिंदवाड़ा, दतिया और अलीराजपुर में आयोजित योग दिवस की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यहां पर नेता से लेकर युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी योगासन करते नजर आए। तो ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज आम और खास दोनों ही योगा करते हुए नजर आए। कई जगहों पर जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर योग के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये भारत के लिए गौरव का दिन रहता है क्योंकि पूरी दुनिया तक योग पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायाधीश DK अग्रवाल, न्यायाधीश मिलिंद फाड़के, ग्वालियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष MPS रघुवंशी ने भी